गाइस ये हूँ मैं और ये है मेरा फ्रेंड सेनपाई और हमारे सामने खड़े हैं वर्ल्ड के सबसे 3 डेडलीस्ट हैकर। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये हैकर जिस भी एसएमपी में गए हैं वहाँ पर सिर्फ तबाही आई है, बट इनको हमारी एसएमपी में लेके आई है एक गैंग जिससे मेरी पिछले एक मंथ से लड़ाई चल रही है। लास्ट वाले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं अपने फ्रेंड पोटू को रिवाइव करने के लिए इस एसएमपी में आता हूँ, बट ये गैंग हर एक कोशिश करती है मुझे रोकने की और साथ ही मेरे टीममेट बोट ने मेरे को धोखा भी दे दिया था। लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान था, मेरा फ्रेंड सेनपाई। और आज की इस वाली वीडियो में हम निकल पड़े हैं इस हेडस्टील एसएमपी में अपने फ्रेंड को रिवाइव करने, जिसमें हमारा मुकाबला होने वाला है वर्ल्ड के सबसे 3 डेडलीस्ट चाइनीज हैकर से। तो गाइस इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, गाइस यूट्यूब ने हमारे चैनल के लिए एक न्यू लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए एनिमेशन दिया है जिसको आप फटाफट अभी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके उस न्यू एनिमेशन को भी चेक कर लो इससे पहले वो गायब हो जाए। एंड गाइस अब चलते हैं इस वाली कमाल की वीडियो की तरफ। निकलो पोर्शन मारते हैं। चलो गाइस ऊपर देखो, घूम रहे हैं ऊपर, वहां पर है। हाय भाई What's up? Let's go. आ जाओ। Guys, कहाँ पर हो? मारो ये। आज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जिंदा तुम नहीं बचोगे डैडी। ओके पता चलेगा अभी, एक सेकंड। रूट के डार्क वेब कमिंग 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 कमिंग। अरे जल्दी जरा आओ भाई, बहुत बार गाइस क्या ये भूल भुलैया है। मारे किसी का कुछ नहीं किया। okay. मरने वाला है, मरने वाला है। ठीक है मेरे सामने कोई है। oh, no. क्या 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 मेरा पूरा आदमी। शिट शिट शिट। क्या 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 एक डेड एक डेड एक डेड। अरे प्लीज, अरे प्लीज मार दिया। शिट निकलो। अरे प्लीज क्या भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। ये मेरे सामने भी भाग रहे हैं लोग, मैं गेट के बाहर हूँ, भाग रहे हैं लोग, दोनों भाग रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया बस। पर बन सब निकल गए। हाँ एक मेरे सामने गायब, ये भी गायब। ओके बाय, लेट्स गो। सबको भगा दिया और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इनके 2 टीम मेंबर्स के हेड हैं और साथ में हमारे पास है स्पोर्ट भाई का हेड। ये रहा हेड, लेट्स गो। ठीक है बट सेनपाई ब्रो हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई बात क्योंकि नहीं। ये अगर यहाँ से भाग गया तो इसका जरूर कोई रीजन होगा। मेरे हिसाब से ये इतने वीक भी नहीं है क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने इस सर्वर पे राज कर रखा था अपना, तो ये कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। हमें उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं अभी से तैयार हूँ।
लेट्स गो। चलो तो फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। मैं एक लास्ट काम करके आता हूँ, मैं सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबके हेड लेके आता हूँ, हम सबको अनबैन करेंगे। ठीक है जल्दी करो। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे से सवाल पूछते रहते हो कि आप अपनी वीडियो में जो कूल से इफेक्ट्स यूज करते हो इसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो गाइस मैं यूज करता हूँ वंडरशेयर का डेमो क्रिएटर और मेरे अलावा बहुत सारे क्रिएटर्स इसका यूज करते हैं। तो मेरे को कुछ सेकंड दो एंड मैं इसके सारे फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है ये डेडिकेटेड सिर्फ क्रिएटर्स के लिए बना है। इसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आप इसमें गेम रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, फेस कैम रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन का जितना पार्ट आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उतना पार्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, चीजें हाईलाइट कर सकते हो, स्केच कर सकते हो और यहां तक कि 4K तक में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब रिकॉर्डिंग के लिए तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे और कमाल की बात इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एडिटिंग के लिए भी मिल जाएगा। और सिंपली रिकॉर्ड करने के बाद आपको जाना है वीडियो एडिटिंग वाले ऑप्शन पे। देखो एडिटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली फाइल को ड्रॉप करना है। एक क्लिक के अंदर आप अपनी वीडियो से नॉइस रिमूव कर सकते हो और कट वगैरह लगाने के बाद आपको इसमें बहुत सारे कूल इफेक्ट्स मिल जाएंगे, 3D से लेकर फोग वगैरह, मतलब दुनिया भर के इफेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और कमाल की बात अगर आपने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया ना तो आप इसमें AI वाला फेस कैम यूज कर सकते हो। तो गाइस आप मुझे सारे क्रिएटर से गालियां पड़ने वाले हैं क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। और कमाल की बात जब रिस्क ले ही रहा हूं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जाके याद से डाउनलोड कर लेना, आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने। तो चलो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यो सेनपाई ब्रो। यो भाई मैं सबके हेड आया इस सलकर में, जितने भी प्लेयर्स इस गैंग ने बैन करे थे ना अब हम सबको अनबैन करने वाले हैं। वेरी नाइस। यस लेकिन उससे पहले हम निकलते हैं और साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि अल्ट्रॉन का और स्पोर्टो का हेड तुम रखो, तुम ज्यादा सेफ रख पाओगे इन हेड्स को क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला हेड आप रख लो लेकिन किसका? अल्ट्रॉन का। ये अरे प्लेस का आप रख लो। नहीं एक काम करो। ओके ये अरे का मेरे को दे दो। एक काम करो उनकी टीम्स के हेड मेरे को दे दो, अल्ट्रॉन का ही मेरे को दे दो, स्पोर्टो का तुम रख लो। ठीक है चलो मेरे पास स्पोर्टो का सेफ एकदम। ठीक है इन दोनों के लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान्स है। ठीक है तो फिर चलेगा। तो फिलहाल के लिए सैनपाई ब्रो देखो अब वो गैंग जो है यहाँ से उनके 4 बंदों ने एस्केप किया है और हमें नहीं पता उनके गैंग में अभी भी कितने बंदे हैं। बेसिकली इस पूरे सर्वर में उनके बंदे हर तरफ फैल रखे हैं तो हमें बहुत बच के रहना पड़ेगा। और दैट्स व्हाई यहाँ से बहुत दूर जाकर मैंने एक बेस बनाया है। ओह चलो फिर वहीं चलते जल्दी से। हाँ वो बेस काफी ज्यादा सेफ रहेगा फिलहाल के लिए हमारे लिए और मेरे को नहीं पता कि उनकी गैंग के बाकी के प्लेयर्स हम पर कब हमला कर दे, तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा और उस बेस तक पहुंच के हम स्पोर्टो भाई को रिवाइव करेंगे सबसे पहले। सही बात है, थोड़ा सामान और ले लेंगे, रीगेयर कर लेंगे। Let's go, senpai bro, हम पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा है यार, बेस तो बड़ा सुंदर सा है। या चलो अब हम कुछ दिन यहीं पर स्टे करेंगे एंड उसके बाद हमें अपनी पोजीशन लगातार चेंज करनी पड़ेगी। कोई सीन नहीं है, आराम से रहते हैं इधर। इतने हम यहाँ पे कुछ दिन तो यहाँ सेफ रहेंगे। बहुत सेफ रहेंगे यार, अच्छा लग रहा है ये बेस। या तो एक काम करता हूँ मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पर मैं बाकी सारे प्लेयर्स के हेड रख देता हूँ एंड अब मैं स्पोर्टो से एक बार बात करके आता हूँ एंड उसको ऑनलाइन बुलाता हूँ, देन हम स्पोर्टो का रिवाइव करेंगे। ओके यस बुलाओ उसको। अब स्पोर्टो भाई को रिवाइव करने से पहले मैं डिस्कॉर्ड पर जाकर उनको अपना न्यू घर दिखा रहा था लेकिन तभी मुझे टाइम लैप्स में एक अजीब सी चीज दिखती है और ये और कोई नहीं बल्कि एक प्लेयर था। तो मैं तुरंत सैनपाई को कॉल करता हूँ। हेलो सैनपाई ब्रो। यस रेडी भाई। भाई एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? अभी मैंने स्पोर्टो को कॉल किया उसको गेम में बुलाने के लिए और जब मैं स्पोर्टो को अपना घर दिखा रहा था ना कि हमने कहाँ पे और कौन सा कैसा घर बनाया तब मैंने देखा कि एक प्लेयर हमें ऊपर से स्पाई कर रहा था। है? Yes, अब पता नहीं भाई। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि सर्वर में 90% उसी गैंग के प्लेयर्स हैं तो मेरे को ऐसा शक है कि वो प्लेयर हो सकता है उसी गैंग का हो सकता है। फिर तो भाई वो हमारे पीछे आ गया, मतलब वो पीछे आ गया हमारे, या फिर हो सकता है वो वहीं पर हो और उसने हमें देख लिया हो, या फिर हो सकता है कि उसने हमारा घर ढूंढ के रख रखा हो और जस्ट वो वेट कर रहा हो कि ये घर किसका है, मैं एक बार देख लेता हूँ। शिट भाई यार। यस फिलहाल के लिए हमारी पोजीशन रिवील हो चुकी है और अगर वो बंदा उस गैंग का हुआ तो जैसे हम सर्वर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। या तो उन्होंने हमारा स्पॉन ट्रैप कर लिया होगा या फिर हमारे लिए कोई ट्रैप बना रखा होगा या फिर हमें बहुत सारे प्लेयर्स इस टाइम घेर के खड़े होंगे। ये तो ज्वाइन करके पता चलेगा क्या करना अपन को। सैनपाई ब्रो फिर तैयार हो? अपनी इन्वेंटरी पीएपी वाली रखी थी कि नहीं लास्ट टाइम? यार जितना याद थी तो Let's see, अब याद नहीं इतने अच्छे से, ज्वाइन करके देखना पड़ेगा यार। मेरे पास तो पर्ल वगैरह भी नहीं है। चलो तो फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 3 2 1 आ जाओ। आ गया, आ जाओ।
लेट्स गो सैंडपाइपर ब्रो भागो जल्दी चलो निकलते हैं जल्दी 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 नीचे आओ नीचे आओ नीचे ठीक है भाई सैंडपाइप भाई अरे शिट नहीं भागो अरे यार अरे बाप रे भाई देख भाई संभल के भाई साहब मैंने दोनों हाथों में टोटम पकड़ रखे हैं कोई सीन नहीं बच गए बच गए माय गॉड भाई कैसे bro. बचे हम लोग Bro. तो दिख भी नहीं रहा है भाई क्या ट्रैप था ये लकली हम जल्दी निकल लिए वरना हम जस्ट इमेजिन हम वहां पे खड़े रहते तो हमारा क्या हाल होता है गए रे भाई दोनों के हेड वहां पड़े होते भाई साहब सैन पाइप ब्रो चलो निकलते हैं यार यहां से यार कोई अच्छी जगह जाते हैं वहां पे बेस वेस बनाते हैं तो यार पीछे पड़े लोग और जस्ट मेरे को अभी पता चला है एक ये कौन है और ये बिना आर्मर के एक हेड स्टील एसएमपी में हमारे सामने खड़ा है भाई ये पागल हो गया क्या सामान वाला ये जो 两个人谁想和我打 ये गूगल ट्रांसलेटर मांग रहा है ये क्या बोल रहा है तो भाई हेलो हमें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो भाई चिंग चोंग पिंग पोंग भाई सीधा सीधे से यहां से निकल जा चिप्स मांग रहा है笑很快你就会哭快告诉我谁会做 PVP 1 सेकंड ये क्या ये मेरे को दो चीज समझ में आ रही है ये PVP करके कुछ कह रहा है सीरियसली करनी है तेरे को PVP करनी है PVP अबे वो बिना आर्मर के हमारे साथ PVP करेगा एक काम कर सुन सुन भाई सुन किसी और देना थोड़ा सामान ले ले इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहे भाई हां थोड़े तो टाइम सर्वर में जी ले भाई आर्मर वगैरह लेके आओ यार अभी हम वैसे भी दूसरे मिशन पे है तो तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है और वैसे भी अपनी हालत देखो बिना आर्मर के दिमाग खराब कर रहा है टेडी भाई मेरा ये काम करते हैं इसको मार देते हैं बाद में इसको रिवाइव करेंगे कौन से इसको भाषा समझ आ रही है हमारी ठीक है तो एक काम करते हैं तुम इससे लड़ो और खत्म करो इसे ठीक है मैं चिंग चोंग तैयार हो जा 3 2 1 गो आ जा What? Yo! What? भाई ये हैकर वैकर है भाई ये क्या था नहीं मैं नहीं एक सेकंड हा 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 नी जुदे ज़मयांग शेन ज़ाय शाओ बा शेन ज़ाय ताई दी नी यू 16 शाओशी दाओ दा ज़गे ज़ौ शेन पाई ब्रो लेकिन ये था क्या भाई ये हैकर था भाई ये क्या गजब लोग हैं यार भाई इस सर्वर में हैकर भी खेल रहे हैं भाई यार साला भाई और एक सेकंड सैनपाई ब्रो ये तुम्हारा हेड ले गया और तुम्हारी इन्वेंटरी में फोटो का हेड था वो भी ले गया नहीं यार टेडी भाई लेना पड़ेगा आपको वो अब क्या चलूंगा लिटरली वो हैकर है भाई वो मेरे को एक हिट मार सकता है और वो पता नहीं मेरे को कुछ तो बोल के गया है तो पहले मेरे को इसने जितनी भी बातें हमारी यहाँ पे हुई है वो मुझे ट्रांसलेट करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा सिचुएशन को वही करो जल्दी करो यार क्या फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ भाई सर्वर से फिलहाल के लिए हैकर ने एक झटके में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और साथ ही सैनपाई को जो मैंने सारे हेड्स दिए थे वो सारे हेड्स ले जाता है और इसके बाद जब मैं मदद की क्लास में सर्वर में इधर उधर घूमता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस सर्वर पर एक इलीगल चीज वर्क करती है जिसको कहते हैं बाउंटी इसमें प्लेयर एक दूसरे को मरवाने के लिए बाउंटी रखते हैं और जो भी उनकी बाउंटी को एक्सेप्ट करता है उसको बदले में वो कुछ यूजफुल आइटम देते हैं अब मेरा प्लान ये था कि मैं किसी की बाउंटी एक्सेप्ट करके उस यूजफुल आइटम का लालच देके अपनी एक टीम बनाऊंगा उस हैकर से लड़ने के लिए और यही सोचकर मैं अपनी फर्स्ट बाउंटी ले लेता हूँ तो फाइनली गाइस मैं उन एक्सिस पे आ चुका हूँ और शायद जिन एक्सिस पे मुझे जाना है वो अंदर की तरफ है ओके एंड भाई स्केप में नीचे कोई खड़ा हुआ है और एक सेकंड भाई ये इनविज है ठीक है ओके चलता हूँ भाई आराम से मेरे को नहीं पता ये प्लेयर कौन है ओके हेलो ये पता नहीं मेरे से बात करेगा या फिर नहीं मैं मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने मुझे यहाँ बुलाया था क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ काम है वो काम क्या है मैं वो तैयार हूँ करने के लिए ओके ये बुक में क्या लिखा है एक सेकंड वो ये कहाँ गया शिट कहाँ गया ये भाई
ओके मैं समझ गया, इसने ना एकदम से गायब कर दिया क्योंकि शायद इसने कहीं पर एंडर पर्ल वाली चैम्बर लगा रखी होगी, और जैसे इसने मेरे को ये बुक दी और बाहर की तरफ रात हुई ये गायब हो गया यहाँ से। या फिर हो सकता है इसके किसी टीममेट ने इसको वहां पे बुला लिया हो। बट ये जो भी बंदा था इस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, क्योंकि ये जो काम ये कर रहे हैं थोड़ा इलीगल है। अब देखते हैं इस बुक में क्या लिखा हुआ है। यू हैव टू किल दिस प्लेयर एंड ब्रिंग हिज हेड एंड एंटायर लूट टू मी एंड इन रिटर्न रिवॉर्ड आई विल गिव यू अनलिमिटेड लूट। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स वेयर यू कैन फाइंड हिम। ओके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। यू हैव ओनली 12 आवर्स टू कंप्लीट दिस मिशन। ओ शिट। ओके गाइस तो चलो हमको हमारा मिशन मिल चुका है और बदले में इसने हमसे प्रॉमिस किया है कि हमको अनलिमिटेड लूट देगा। अब अनलिमिटेड लूट लेने के बाद मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी गैंग बनाऊंगा उन हैकर से लड़ने के लिए, और अभी के लिए मेरे को इन कोऑर्डिनेट्स पे जाना है जो कि उसने दिए हैं। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं फिर, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस उन एक्सिस के मैं काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं और सामने की तरफ मेरे को एक घर दिख रहा है। भाई साहब अब जिस भी बंदे का ये घर है भाई लग रहा है उसके पास कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसके ऊपर बाउंटी रखी गई है। ओके अब गाइज मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट इस वाले घर पर नजर रखनी है और जो भी इस घर से बाहर निकलेगा मेरे को उसको मारना है। अब क्योंकि ये एक हेड स्टील SMP है तो सब भाई बहुत ज्यादा दिमाग से खेलते हैं और पता नहीं यार मैं उस बंदे को मार पाऊंगा या नहीं। अब मेरी आगे की जर्नी टोटली इस बंदे पे डिपेंड करती है। तो चलो गाइज मैं वेट कर लेता हूँ। तो गाइज फिलहाल की बात करें तो वेट करते करते मेरे को करीब 5 घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक इस घर में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही। अब मैं खुद इस घर में नहीं घुस सकता बिकॉज मुझे नहीं पता अंदर की तरफ क्या हो सकता है। हो सकता है कोई ट्रैप बना रखा हो उस प्लेयर ने कि जैसे कोई रैंडम बंदा उसके घर में घुसे वो ट्रैप हो जाए, और वैसे भी एक हेडस्टील SMP है तो मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, तो मेरे को बहुत ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा। अब वो जो भी प्लेयर है और अगर वो बाहर है तो भाई अपने घर में तो वो एक बार जरूर आएगा, तो जस्ट मेरे को वेट करना है। तो गाइस फिलहाल की बात करें तो मेरे को वेट करते करते यहाँ पर करीब 10 घंटे हो चुके हैं, बट उस प्लेयर का कुछ भी अता पता नहीं है और मेरे को इस प्लेयर को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे दिए गए, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। तो अब जस्ट मैं 1 घंटा और वेट करने वाला हूँ, अगर वो प्लेयर यहाँ पर नहीं आया तो मैं ही इस घर के अंदर घुस जाऊंगा। तो ओ एक सेकंड गाइस मेरे को वहां पे कुछ दिखा। ओ शिट भाई ये तो 3 बंदे हैं और मेरे को ये तो बताया नहीं कितने बंदे होंगे। अब इन 3 बंदों से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। अब गाइस जो भी है मेरे को रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलो गाइस अब जो भी है भाई देखी जाएगी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और अगर इस टाइम में मैंने कुछ नहीं किया तो भाई मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेट्स गो भाई साहब इनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि एकदम से कोई रैंडम बंदा इनको आके क्यों मार रहा है, बट क्योंकि एक हेडस्टील SMP है तो इनके ज्यादा शौक नहीं हुए होंगे। Jet 1v3 अब इन तीनों में से पता नहीं वो कौन सा प्लेयर है जिसको मुझे मारना है। ओके इसका हेलमेट गया। ओके इनमें से किसी का टोटम पॉप हुआ। ओके गाइस मेरा भी हेलमेट टूटने वाला है। ओ लेट्स गो एक तो बंदा मर गया। यस ठीक है अब 2 बचे ये। ओ इसके पास कितने ज्यादा एंचेंटेड गोल्डन एप्पल है इसलिए ये मरने का नाम नहीं ले रहे। मैं तभी सोचूं मेरा इतने हेड। अब इसका हेलमेट मेरे को मिल जाएगा। मेरे को इसका हेलमेट देखना होगा जल्दी जल्दी जल्दी। इसकी लूट कहां पर है? शर्ट वो तो इन्होंने उठा ली। गया मेरा हेलमेट गया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मैं इनको मार पाऊंगा दोनों का या फिर नहीं। अब मैं बुरा फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ से भाग भी नहीं सकता। लेट्स गो एक का और टोटम पॉप हुआ।
गाइस ये पैनिक हो रहे हैं अब. ओके लेट्स गो. यस एक सेकंड अब बताता हूँ इन दोनों को. इनके टोटम खत्म हो चुके हैं. ओ शिट भाई साहब ये बंदे कुछ तो इलीगल कर रहे हैं. तभी इनके ऊपर बाउंटी रखी गई है भाई. एक स्टैक एंचेंटेड गोल्डन एप्पल और बाकी के लूट इन बंदों ने उठा ली. और मेरे पास सबसे काम की चीज आई भाई एंचेंटेड गोल्डन एप्पल जब मैंने फर्स्ट प्लेयर को मारा था. भाई क्या खा रहे हैं ये बंदे. एंचेंटेड गोल्डन एप्पल. मेरा टोटम पॉप होने वाला है. ठीक है एंटरपोल से मेरा टोटम पॉप हो गया. नहीं 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 मेरे शूज वगैरह सब टूट चुके हैं. लेट्स गो भाई अब मारना पड़ेगा मेरे को जैसे तैसे इन्हें. मेरा पूरा आर्मर खा गया भाई ये तीन बंदे. लेट्स गो एक और मर गया एक और मर गया. बस लास्ट बचा इट्स नॉट मी. गाइज मेरे को एक काम और करना पड़ेगा. मेरे को जल्दी से जाके अपनी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी. ओके मेरे को जल्दी से उस बंदे का आर्मर उठाना पड़ेगा. लेट्स गो. उसको मैंने यहीं कहीं मारा था. ये रहा इसकी चेस्ट प्लेट. मेट से तो ज़्यादा हील है. कुछ और टूट गया गाइज मेरा आर्मर में. ओके ठीक है भाई साहब. एक सेकंड मैं स्ट्रेंथ 2 तो लगाना भूल ही गया. अब गया बेटा तू आ जा. लेट्स गो यस फाइनली गाइस मैंने तीनों को मार दिया. और अब मेरे को ये देखना है कि भाई इनकी इन्वेंटरी में ऐसा क्या है जो इन पे बाउंड्री रखी गई है. एक सेकंड मेरे को अभी तक तो सब नॉर्मल ही लग रहा है. ऐसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा. वेट अ सेकंड कुछ तो इनके पास ऐसा है जिस वजह से इन पे बाउंड्री रखी गई. वेट व्हाट एक एंचेंटेड एरो. तो फाइनली गाइस उस हैकर ने मेरे को जहां पर बुलाया था वो जगह मेरी आंखों के सामने है. और आने वाले कुछ मिनट बताएंगे कि मैं इस सर्वर में रहूंगा या फिर हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा. तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट. लेट्स गो. तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं और अब फटाफट इस एरिना के अंदर चलते हैं क्योंकि देखने में तो ये कुछ एरिना टाइप लग रही है. और आई एम डैम श्योर भाई अंदर वो पूरी की पूरी गैंग और वो तीन के तीन हैकर्स खड़े होंगे. रिलैक्स शेडी तेरे को बहुत ज्यादा शांत रहना है क्योंकि सब कुछ अब तुझ पे डिपेंड करता है. लेट्स गो. हेलो गाइस. हेलो टेडी. यो आ गए मरने के लिए. आ गया भाई ये फिर से. अरे वो तुम्हारे दो दोस्त कहाँ हैं यार सेंपाई और स्पोटू. वो भी हो गए होने वाला था ना. क्या हो गया. कोई नहीं गाइस वो बहुत जल्द वो मेरे साथ खड़े होंगे. ये सपने अभी भी देखना नहीं भूला भाई. लोनली टेडी. ओके गाइस तो मैं तुमसे नहीं तुम्हारा ये जो तुमने हायर करे ये तीन हैकर्स इनसे बात करने आए हो क्योंकि तुम्हारे बस की तो था नहीं हमें हराना. तभी वहाँ से डर के भाग गए थे. तभी अकेले आए हो. तभी तुम हमारे पास आया फिर से. लेकिन कोई नहीं मैं आया तो अकेला हूँ पर जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ. तो अब मैं इस मेन बंदे से बात करता हूँ. हेलो तुम जो भी हो और जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है खैर अब तुम मेरे से बात कर सकते हो क्योंकि मैंने ट्रांसलेटर लगा लिया है. ये लड़ाई कभी तुम्हारी थी नहीं और तुमने इस लड़ाई में आके अच्छा नहीं किया और अब बहुत जल्द तुम तीनों मरने वाले हो मेरे हाथ. जोक्स तो अच्छे मारते हो टेडी भाई. वही तो. हाँ और अगर मार दिया तो तुम मेरे फ्रेंड्स के हेड मुझे वापस करोगे और इस सर्वर में कभी ना खुद आओगे ना किसी हैकर को आने दोगे. अरे सपने रात में देखते टेडी भाई दिन में नहीं. गाइस तुम्हें जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए. और इस बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा. टेंशन नॉट. अरे टेडी तू सपने देखना बंद कर दे भाई. थका नहीं क्या हम नहीं पिट पिट के. अरे यार क्या आदमी है ये. ओके गाइस ठीक है. और साथ ही मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे जिस टीममेट ने मेरे दोस्त सैनपाई को मारा था मेरी उसके साथ फाइट हो और बदले में तुम्हें मेरी शर्तें माननी होगी. अच्छा एक काम करते हैं मैं तुम्हारे एक टीममेट नहीं दोनों टीममेट से लड़ना चाहूंगा. और अगर मैंने इन दोनों को मार दिया तो साथ में तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के हेड भी वापस करने पड़ेंगे और साथ में तुम्हें कभी ना सर्वर में आना है ना किसी दूसरे हैकर को आने देना है. पर हमें क्या मिलेगा. तुम्हें मिलेगी भाई हमेशा के लिए परमानेंट सर्वर से बैन. आ जाओ मैं तैयार हूँ तुम दोनों से लड़ने के लिए. अरे टेडी भाई इन लोगों ने लिटरली सेनपाई को मारा है तुम लड़ोगे इनसे. आ जाओ गाइस मैं तैयार हूँ. ओ
ओके गाइस, तो ये फाइट होने ही वाली है। वन मोर थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो दो हैकर्स हैं, ये कोई ऐसी चीज यूज ना करे जिससे इनके पास अनलिमिटेड हेल्थ हो जाए या फिर ये मेरे को वन हिट मार दे। उसके अलावा ये कुछ भी यूज कर सकते हैं। टेडी तू तैयार है? हाँ तैयार हूँ मैं। तो ठीक है, 3, 2, 1 मार दो इसे। ओ वेट, ये तो वही एरो जिसके बारे में मैंने सर्वर में सुना था। मतलब इस एरो की मदद से मैं किसी को भी एक बार में मार सकता हूँ। भाई ये एरो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है उस हैकर से लड़ने में। बट ये एरो अगर मैंने उस बाउंटी वाले को वापस नहीं किया तो मैं बाउंटी का रूल तोड़ दूंगा और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे लिए उस हैकर को मारना जरूरी है, तो एक काम करता हूँ, मैं ये एरो रख लेता हूँ। इजी, कम ऑन। व्हाट? व्हाट? टेडी भाई, मेरी बात सुनो। क्या हुआ बोट भाई, जल्दी बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। एक्चुअली मैं इतना टाइम आपके साथ रहा, मैंने आपको इतना तो जान लिया है कि आप एक बुरे इंसान नहीं हो। ओके बोट भाई, थैंक यू सो मच। बट अभी हमें वो जल्दी से जाके वन हिट सोल्ड लेनी है और एंग्री भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, तो हमें चलना चाहिए। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है बोट भाई, जल्दी बताओ। मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ। मुझे टास्क मिला उनकी तरफ से, मैं हमेशा से उस गैंग में हूँ और उस गैंग ने मुझे टास्क दिया है कि स्पोटू के बैन होने के बाद स्पोटू जो भी कदम उठाएगा उसके अनबैन होने के लिए, मुझे वो सबकी खबर उस गैंग को देनी है। उन्होंने मुझे दो टास्क दिए हैं, सबसे पहला एंग्री को मारना और दूसरा वो वन हिट स्वॉर्ड उस गैंग को लाकर देना, और अगर मैं ये सब करता हूँ तो स्पोटू कभी भी अनबैन नहीं होगा। भाई उन्होंने जो बोला है ना, तुम वही करो, बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा, प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। पर भाई आर यू सीरियस कि मैं एंग्री को मार दूं और इस सर्वर की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड उन लोगों को दे दूं? हाँ तुम एंग्री को मार दो, लेकिन वन हिट स्वॉर्ड उनको देना है, ऐसे किसने बोला? तो अब बिना किसी बहस के, जैसी हमारी बात हुई थी, तुम्हें वो करना है, तुम्हें मेरे दोनों टीममेट्स के हेड मुझे वापस करने हैं और साथ में इस सर्वर में कभी वापस नहीं आना, और साथ ही इसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी करनी है कि कोई और हैकर भी ना पाए। तो जल्दी मुझे वो हेड दो, जल्दी मेरे को मेरे दोस्तों का हेड दो, जैसी हमारी बात हुई थी भाई। लेकिन वन हिट स्वॉर्ड बॉट भाई के पास नहीं थी। ओके, और जैसी हमारी बात हुई थी, जाओ तुम यहां से। इसके पास कैसे आई वो वन हिट स्वॉर्ड? बॉट, वो स्वॉर्ड तो बॉट के पास था। ये टाइम है बॉट गद्दार। पर हाँ, जब तुम्हारा उस वन हिट शॉट का काम हो जाए तो तुम मेरे को वो वापस लाकर दे देना। गाइस, बोट तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, और तुम्हें पता है मेरे पास क्या है, वन हिट शॉट। तो अब तुम तीनों कौन बचाएगा? शायद तुम्हारा ये सर्वर में आखिरी दिन है, तो मरने के लिए तैयार हो। टाइम के सीट का डार्क, ओ शिट, ये कहां गए? अरे जीबीआई भाई, आप तो टेडी। हां, सी यू सून। वेट, व्हाट? बोट भाई, ये क्या था? शायद ये क्या था, ये शायद उन्होंने कहीं पे पर्ल चैंबर्स लगा रखे थे। के लिए तैयार रहते और जल्दी मिलेंगे, मुझे इंतजार रहेगा। चलो बोट भाई, हम भी निकलते हैं। गाइस, सैनपाई और स्पोटू वापस रिवाइव होने वाले हैं, हमारा खेल खत्म हो गया, अब क्या करें? चिल आउट लियो, चिल आउट। हमारे पास असली हेड अभी भी है, उनको जो मिला वो फेक है। क्या मतलब तुम्हारे पास रियल है? व्हाट, लुक एट दिस। हमें पहले से सब कुछ प्लान पता था, तो हमने एक्चुअली एक अच्छी बात करी कि हमने कोई अपना कोई भी प्लान किसी को नहीं बताया। हमको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं था, तो हमने ये प्लान किसी को बताया ही नहीं। और टेडी वहां सोच रहा होगा कि उसको असली हेड मिल गए, वो जीत गया है। उसको पता ही नहीं है कि हमारे पास है असली हेड। ओह गॉड डैम, अब शुरू होगी असली जंग। युग भाई, टेडी ने बाउंटी के रूल्स तोड़े हैं, एंड रूल तोड़ने वाले को सजाए मौत मिलती है। चलो टेडी को हंट करते हैं। एक सेकंड, क्या टेडी भाई ने बाउंटी के सारे रूल्स तोड़ दिए? अब टेडी भाई आप तो नहीं बचने वाले, अब तो उन्हें सजाए मौत मिलेगी। चलो टेडी भाई को हंट करें।